हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज पता है क्या करने वाला हूँ, आज फिर से ना रिट्स के साथ में एक बहुत धमाकेदार प्रैंक करने वाला हूँ, मतलब बैंड बजाने वाला हूँ अच्छे तरह से उसकी। ये गुलाब में उसी के लिए लेके आया हूँ, सोचा था क्या स्पेशल करूँ, तो काफ़ी सारे दोस्त लोग भी बोल रहे थे उसके साथ करो, तो चलो मैं उसको फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ, थोड़े मजे लिए जाएँ यार, है ना। तो आप लोग इन्जॉय करना वीडियो को, कमेंट्स में मिलते हैं, कॉल करते हैं यार, डोंट माइंड, थोड़ा दिल भी दुखाऊंगा उसका तो समझ रहे हो ना, लेकिन मजा आता है यार कभी कभी। हेलो हेलो, हाँ यश, कहाँ पर हो यार? मैं यहीं हूँ, गेट नंबर 6 के पास। यार मैं भी यहीं पर हूँ, 5 नंबर की तरफ आ जाओ पार्किंग में। क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? अरे आओ तो सही, चलो मैं आ रही हूँ। आ जाओ, तो आने वाली है, यहीं पर है तो तैयार रहते हैं, मजे लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ब्रांड न्यू गेम के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि अवेलेबल है फोराबेट साइट पर, जहां से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो कम समय में, और वो भी बहुत आसान तरीके से। मैंने भी कमाया है यार, यहाँ एक बहुत बड़ा कैसीनो गेम है, मैंने भी खेला है, तो आप भी पैसे कमा सकते हो, बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों गेम का नाम है द किंग, चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आजकल अपने सारे खर्चे ना इसी गेम से पूरे हो रहे हैं, तो आज भी जीतेंगे, यस। तो दोस्तों 20,800 रुपये मैं जीत चुका हूँ आपके सामने, तो यार अभी सोच रहा हूँ इन पैसों को ना थोड़ा डबल किया जाए, थोड़े और खर्चे भी हैं अपने। चल रहा है यार, डबल पैसे होने में ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे जो मेरे इसी से पूरे होंगे। कम ऑन यार, स्टार्ट हो जा, यस। तो दोस्तों पूरे 41,542 रुपये मैं कमा चुका हूँ, वो भी आपके सामने, आप भी बेहतरा पैसे कमा सकते हो। और अगर एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप फॉलो करते हो, तो मैं आपको दे रहा हूँ अपना 200% का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। आप मिनिमम 300 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम 1000 रुपीज़। जस्ट इमेजिन यार, एक दिन में आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1000 रुपीज़ का डबल, तो कैसा है। तो जाओ यार चेकआउट करो फोराबेट को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अर्न करो और इन्जॉय करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, फीलिंग थोड़ी एक्साइटेड है, प्रपोज किया जाएगा लड़की को। आएगी यार, इंतजार बहुत कराती है सच में, मतलब गोली इतनी देती है ना, आज इसमें मैं बदला ले लूंगा उससे पूरा। यार अरे मैडम आ जाओ, कहाँ रह गई, अरे आ जाओ यार, ये रहा यहाँ हूँ, आ चुकी है, आ रही आ रही आ रही आ रही। गोली देती रहती हूँ हमेशा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, धूप में क्यों खड़ा है? इधर आ जाओ सरकार आप। ओके, कहाँ जा रहे हो, इधर उधर? और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस मजे में, बताओ पहले। सुपर चल रहा है चैनल तो, एक चलो बढ़िया यार। तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, वो लास्ट टाइम ज्यादा तो नहीं रुलाया था मैंने कुछ? यार ज्यादा ही रुला दिया था, इमोशनल कर दिया था, मैं तो सीरियस हो गई थी बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे लगा था कि यार मैंने ज्यादा कर दिया है तो सॉरी बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में चलता है कभी कभी तो हो जाता है। और करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट कर रही हो? मैं, अरे तुम्हें तो पता है मैं सिंगल हूँ, क्या करवा चौथ, क्या बंदा बंदी, ना मुझसे ना हो पाएगा। क्यों? नहीं यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, करवा चौथ ढूंढने आए हो क्या अपनी? सोच तो रहा हूँ यार, मैं ढूंढ लूँ क्या करूँ, क्राउड नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, शूट भी नहीं हो रहा किसी के साथ, फन भी नहीं हो रहा। लड़की ढूंढने आए हो, मैं हेल्प करूँ क्या? कर देना यार, हेल्प की तो जरूरत नहीं है बट फिर भी। अच्छा मेरे को ना एक बात बोलनी है। बताओ। बुरा मत मानना। बता ना। उस रात जब मैंने सोचा था ना, उस दिन तो मैं प्रैंक कर रहा था तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारे ऊपर प्रैंक किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम रियली सॉरी यार। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस रात के बाद जब घर जाके मैंने दर्द देखा ना तुम्हारे, वो रोते हुए का, मैंने वो वीडियो ना खुद ने भी देखी थी, तो मतलब मुझे लगा कि यार कोई इस तरह से इमोशनल भी हो सकता है किसी के लिए, पता नहीं था मुझको। हाँ यार इमोशनल तो हो गई थी, मतलब कि ऐसा तुम जैसा अच्छा दोस्त कौन खोना चाहेगा, है ना, सीधी सी बात है। और तुम्हें पता है मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। वही तो, ये तो मुझे पता है। तो फिर पता है मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर ये लड़की मेरी लाइफ में हमेशा आ जाए ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मैं ऐसे भगवान से कह रहा था कि मुझे मिल जाए ऐसे। एक बात बताओ, हाँ कैमरा कहाँ लगा है? नहीं कैमरा मैंने लगा रखा सच में, अभी नहीं, अभी आया नहीं, कैमरा मैन आएगा। अच्छा अभी आया नहीं है क्या? हाँ जब ही तो खाली खड़ा हुआ, मैंने सोचा तुम्हें बुला लूँ। अच्छा। तुम्हारा वाला आ गया? नहीं आया ना? नहीं अभी आ रहा है वो, मैं वेट कर रही हूं। सब गोलीबाज चाय वाले भी बैठे होंगे वहीं पे। तो सीधी बात ये है। हाँ। कि मुझे ना थोड़ी सी जो वाइब्स थी ना, प्यार वाली फीलिंग्स ना बढ़ती जा रही थी।
तुम्हारे लिए दिल की बात है, बस बुरा मत मानना। मतलब ये मैं सोचना कि मजाक है, आज कोई कैमरा वैमरा भी नहीं है। कैमरा हो भी सकता है, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं मतलब ऐसा नहीं था। नहीं नहीं सीरियसली बता रहा हूं, दोबारा मत रुला देना यार। ना ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि उस दिन के बाद में मेरे मन में ना फीलिंग बढ़ने लगी। वो वीडियो में बहुत देखता हूं, जो तुम्हारा वो रोता हुआ सा चेहरा है ना, और जो तुम्हें गले से लगाया, तो वो दिल में से ना जगह बन गई यार बहुत ज्यादा। हाँ, वीडियो और पता है तुम्हारी वजह से मैं किसी और लड़की पे फोकस नहीं कर पाता, ये सब होता है। अब क्या करो, सबको मैं तो कहता हूँ यार, ये मैं सब लोग को तो पसंद है कि हम लोग साथ में रहे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स से मैंने देखे थे। बट यार तुम्हें भी पता है यार कि एक फ्रेंडशिप तक सब कुछ सही रहता है यार। वो बात नहीं है, मैं बताऊँ जब वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। पब्लिक पता क्या कहती है, कहती भाई पीले वालों से लड़की, वो क्या है तुम्हारा, मैंने क्या रखा था, पीले वालों वाली लड़की। तो कहते भाई उसके साथ में तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है। अच्छा, तो मैं सोच रहा था यार, मतलब मैं चाहता मैं भी हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, झूठ नहीं बोलूँगा, स्पेशल डेज चल रहे हैं, मंथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, फीलिंग्स भी अच्छी चल रही हैं। आई लव यू यार। यार प्लीज यार ऐसे मत कर यार। इधर क्या कोई भी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी ना एक विश थी, मुझे ना जो तुम समझाती हो ना दोस्ती वाली कहानी, अच्छी तो लगती है मुझे सुनने में, लेकिन उसे मैं अपने दिल तक नहीं पहुँचा पाता, बंगा ये है। और दूसरी पता है, ये मैं रोज़ भी मैंने ले रखा था, इसीलिए इधर उधर के लिए नहीं है ये, रोज़ मैं सच बताऊँ ना तुम्हारे लिए लाया था कि मैं आज जाके उसको प्रपोज करूँगा, कुछ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ तभी मैं ये बोल रहा हूँ यार। देखो मेरे को यार पता है, हम दोनों को ना पब्लिक भी पसंद करती है, सीधी बात है, और वो दुआ भी करती है कि हम लोग एक हो जाए, और एक दूसरे को समझते भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक भी लगते हैं दोनों, सेम से हैं, स्लिम ट्रिम से हैं, फिट पार्ट से हैं, सेक्सी भी हैं यार दोनों। हाँ वो तो है यार, देखो पसंद मैं भी तुम्हें करती हूँ, बट यू नो जब दोस्ती से बढ़कर यार हमारी जो दोस्ती है उसकी बॉन्डिंग है ना, जब हम रिलेशन में जाएंगे ना तो वो सब खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही सब अच्छा लगता है यार, उसके बाद सब खराब हो जाता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सीरियसली एक्सपीरियंस हूँ मैं, तब बता रही हूँ कि खत्म हो जाता है यार। दोस्ती तक सब सही रहता है, हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। बट यार कहते हैं ना वन साइड लव इज ऑलवेज ट्रू, तो मेरा समझ लो पता है एक साइड से ये बढ़ता जा रहा है। मैं हर रोज ना चाहता हूँ कि यार मैं बस उसकी लाइफ में कैसे भी एंट्री कर ले, वो मेरी लाइफ में या मैं उसकी लाइफ में आ जाऊँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरी होके रहे यार। यार देखो मतलब जितनी केयर, तुम भी प्रैंकस्टार हो, मैं मेरा भी चैनल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे हम एक दूसरे को लेके, क्योंकि समझ रहे हो ना मतलब इनसिक्योरिटी। मतलब तुम कहने का मतलब ये, एक बात बताऊँ, मैं फ्लर्ट वाले कंटेंट नहीं बनाऊंगा, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अच्छा तुम फ्लर्टिंग कंटेंट भी छोड़ दोगे मेरे लिए? और क्या, मैं फ्लर्टिंग पब्लिक को मेरे फ्लर्ट कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मैं वो बनाना छोड़ दूंगा, बट आई डोंट वांट लॉस टू यार सच्ची, बिकॉज आई रियली लव यू यार। मुझसे ना होता नहीं है कि मैं उसके अंदर ही रहूँ फ्रेंडशिप वाले जोन में, जिस हिसाब से मिलते हैं ना मुझे लगता नहीं है कि हमारा, लगता है हमारा फ्रेंडशिप से ना बहुत ज़्यादा, यू नो डैट, तुमने भी बोला कि तुम भी मुझे लाइक करती है, तो करते हैं ना यार कन्वर्ट इसे रिलेशन में, क्या हो गया, कुछ बीच में थोड़ी ना कोई दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आई नो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं भी लाइक करती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रही हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो यार, और मेरी ऐसी बॉन्डिंग भी नहीं है किसी के साथ मेरी। हाँ, जब भी तो मेरे खुद नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। एक बार तुमने बोला कॉल करके मैं भाग के आ गई, अब पता है मुझे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता ही है वैल्यू क्या है तुम्हारी मेरी जिंदगी में, पर यार रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रिलेशनशिप इज़ अ बिग डील फॉर मी यार, अभी के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है मैं रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती यार। अच्छा एक बात बोलूँ, मतलब एक विश थी मेरी कि मैं इस ग्लोब दो चीज़ें करूँगा, या तो मैं इसको फेंक के जाऊँगा या रिड्स को दे के जाऊँगा, तो मेरा मन था कि मैं तुम्हें एक बार वैसे प्रपोज कर सकूं, बस जैसे करते हैं ना, मतलब एक ड्रीम वाली तमन्ना, जैसे मैं हमेशा वीडियोस में मैंने सबको किया है, तो मैं चाहता था किसी दिन पर्सनली किसी को कर लूं, तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर कर रही हूं, रिस्पेक्ट कर रही हूं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बट नो रिलेशनशिप प्लीज यार। मैं बैठ के प्रपोज करना चाहूंगा, करूँ पब्लिकली सब देख तो क्या हो गया यार, पब्लिक से क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे हम लोग प्रैंक्स भी तो करते हैं पब्लिकली तो करते हैं, प्रैंक नहीं है ना, तो ये तो प्रैंक नहीं है, तो क्या हो गया यार, अपनी फीलिंग्स है ना हमारी एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या हो गया। चलो ठीक है, पक्का ठीक है, आई लव यू यार, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड फॉरएवर, गर्लफ्रेंड। हाँ यार दिल रख लो, क्या हो गया दोस्ती से बढ़कर यार, अब मुझे नहीं पता, बस आई लव यू, एक बार रिप्लाई कर दो, उसके बाद कभी भी मत करना चाहे, आई लव यू टू, देख रहे हक भी कर दो यार। अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ और बताऊँ,
सच में बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ये चीज़ सोच पाना कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, क्योंकि कल को तुम किसी और की लाइफ में जाओगी ना तो सबसे ज़्यादा जलन मुझे होगी। नहीं, मेरे को नहीं जाना किसी की लाइफ में। यार एक ना एक दिन तो चली जाओगी ना, कोई तो आएगा जो तुम्हें यूँ चुरा के ले जाएगा और मैं सिर्फ देखता रह जाऊँगा ना। उस टाइम पे मेरे पास पता कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास बस कुछ ऐसे लम्हे होंगे और एक जो वीडियो मैंने बनाई थी वो होगी। मैं तो सोच रहा था कि आज इस मोमेंट को भी काश कैप्चर कर लेता कि मैंने ऐसे तो उसको एक बार प्रपोज किया। डजेंट मैटर, लाइफ टाइम नहीं था, लेकिन बार बार इस लम्हे को तो मैं वीडियो में देख सकता था। तो होना चाहिए था कहीं कैमरा भी आसपास ना। बट सच बताऊँ, आई रियली लव यू यार, और मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन अब तुम ना ध्यान से सुनना यार, तुम्हें मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तुमने मेरे को ये बात दो बार बोली है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला था कि यार रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, बॉन्डिंग जो हमारी बॉन्ड है ना यार वो बहुत स्ट्रांग है। मैं मानता हूँ, तो उसी में बढ़ना चाहता था ना मैं। अच्छा तुम्हारा ये फाइनल है कि तुम नहीं कर पाओगे? समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो यार, बिकॉज़ आई लव यू लॉट। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दी ना, बीइंग आई लाइक यू यार, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बट रिलेशनशिप मतलब बहुत बड़ी चीज आज के टाइम में मेरे लिए, यू नो। तो एक बात बताऊं, मैं क्लियर पॉइंट पे आता हूं, अगर हम इस चीज से नहीं बढ़ पाते हैं, रिलेशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो आज जो ये लम्हा हम गुजार रहे हैं ना, ये मेरा तुम्हारे साथ लास्ट है यार। फिर तुम वही लास्ट यार, मुझसे नहीं हो पाता भाई मेरे को। अच्छा मैं तुम्हारी भी वीडियोस इतनी सारी देखता हूँ, हंसती खेलती देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मन में कहता हूँ कि यार ये तो मेरी है, कहीं नहीं जाएगी, एक ट्रस्ट सा है। बट सीरियसली अब मैं उस चीज़ को निकालना चाहता हूँ, बाहर आना चाहता हूँ उस चीज़ से। मैंने आज घर से सोच के आया था, या तो हाँ होगी या ना होगी। तो थैंक यू, आज मैं रुलाना बिल्कुल नहीं चाहता, हंसते हंसते कह रहा हूँ थैंक यू। तुम बात ऐसी कर देते ना कि तुम्हें पता है मैं कितनी इमोशनल हूँ, और यार लेकिन मेरी भी तो बात समझो, समझो मेरी बात को, दोस्ती जब तक रहेगी ना तब तक सब ओके रहेगा, उसके बाद खत्म यार। मेरी बात सुनो, जब तुमने मेरी समझ, देखो आज तुम रोना मत, मेरी बात सुनो, जब तुम डिसाइड कर चुके हो तो मुझे समझ, मैं अपने आप को समझा लूंगा, मेरे जैसे दोस्त बहुत मिलेंगे यार तुम्हें। ठीक है, मतलब नो रिलेशनशिप, बट यार हाँ मतलब इन फ्यूचर अगर मेरे मन में आया रिलेशनशिप में आना तो नहीं यार, फ्यूचर का नहीं होता इस तरीके से ना, मेरा प्यार बढ़ता जाएगा, और तुम सिर्फ मुझे ये समझ रही हो ना एक झूठा वाला दिलासा, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपनी दोस्ती भी ना आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मुझे तकलीफ होती है, मेरे पास भी दिल है, मुझे भी समझो, वही बात है। तो मैं इसे रख लो, पहली और आखिरी बार था और अच्छा लगा, मैं ज्यादा बात नहीं, दोबारा रुलाने आए थे क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था शायद आपके यार में तुम्हें मना लूंगा। बुलाया ही क्यों यार, अगर तुम्हें ऐसे करना होता यार, क्या है यार ये यश, क्या है मुझे नहीं पता, बट यार दोस्ती मजाक नहीं होती यार, कुछ भी हो मेरे से बर्दाश्त, मुझसे मुझे भी तकलीफ होती है यार। तो ठीक है यार, जाओ यार प्लीज, तुम स्टे अवे यार, मेरे को ऐसे। बाय, नाइस टू मीट यू, जाओ तुम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, रख लो। कुछ नहीं हुआ, तुम निकलो यहाँ से, जाओ यार। क्या हुआ? सॉरी, स्टे अवे यार, मेरे से बात मत करो यार, निकलो। सॉरी क्या? सॉरी यार, इसे सॉरी 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 किस लिए सॉरी यार? चुप चुप, पहले चुप, पहले चुप, चुप पहले चुप, पहले चुप, बिल्कुल चुप। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसे किया था यार, मतलब खुद पहले बिल्कुल चुप 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 चुप, लिपस्टिक लग जाएगी शर्ट पे। ओ ठीक है, सॉरी 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 यार, हद होती है, ऐसे कौन करता है यार? एक मिनट एक मिनट, मुंह हल्का सा इधर करो, 90 डिग्री के एंगल पे करो, क्यों? एक मिनट करो 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 करो, अब ऐसे ऐसे करो, क्या है मुंह देख लो भाई, यार सॉरी यार, ज्यादा बुरा लग गया यार, क्या है यार, लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, हाथ धोते यार, तुम रुलाने के लिए आए हो क्या? दोस्त रुलाने के लिए कहाँ रुला रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी ना।
सॉरी यार, सॉरी 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 यार, ऐसे कौन करता है यार? अरे यार बंद कर दो यार, क्या हुआ? पार्ट टू प्रैंक बना रहे हो क्या? नहीं यार मैम, ऐसी बस सॉरी बस अच्छा सॉरी, पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, ठीक है भाई, सॉरी देवी जी, सॉरी सॉरी, ठीक है, ऐसे मत करना आज के बाद, प्लीज, आई विल सच बोल रही हूं, अभी नहीं करूंगा पक्का, आई एम सॉरी, मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा क्या करूं, दोस्ती करूंगा ना, अरे नहीं 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 कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा पक्का, ठीक है, अरे शूट तो नहीं करना ये वाला, बंद करो इसको, बंद ही पड़ा हुआ है यार, नहीं कर रहा, बस गलती हो गई, माफ कर दो, बुरा तो नहीं लगा? बहुत लगा, बुरा तो नहीं लगा? तो मैंने मना करा, तुम मेरे बेवकूफ बना दिया करो, मैंने कब कहा तुम्हारे ही बनवाओ हर बार, मेरा बना दिया करो, मैं तुम्हें बताऊंगी, मुझे तो अगर तुम मुझे प्रपोज भी कर रही होगी ना, मुझे जब भी लगेगा कि मेरे ऊपर करने आई है, निकल जाऊंगा पागल, आई लव यू, आई लव यू, मजा आया मेरी तरफ कर लियो, दिखा, रुक जा, क्या हुआ, लेना है ये कुछ? कुछ नहीं, मेरा इयररिंग गिर गया था, फिर ठीक है, देख लो मुंह, देख लो इसका अच्छा लग, मुंह तो दिखा दे संभाल के रखियो तो दोस्तों तो मजा आया होगा, उम्मीद है, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज फैला दो यार, बहुत मजा आता है मुझे इसे परेशान करने में, थैंक यू सो मच दोस्तों, क्रिकेट बेटिंग फॉर अ बैट, लीगल बुकमेकर फॉर अ बैट, बिग विन्स फॉर अ बैट, क्विक पे आउट फॉर अ बैट, क्लिक एंड बैट विद अ सिक्योर बुकमेकर।